दोस्तों तो कारगिल से हम पहुंच चुके हैं नीमू। अब हम नया रोड टेस्ट करने जा रहे हैं, नीमू पदम रोड। ये जो नीमू पदम रोड है ये संगम से होता हुआ जा रहा है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ संगम हमारे साथ में ही है। अभी आगे से आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये रोड हमें नीमू से दारचा 258 किलोमीटर्स पर है, 258 किलोमीटर्स है दारचा। तो दारचा पुल है जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ से बारालाचला को अलग हो जाता है, शिंकुला पास को अलग हो जाता है। तो हम शिंकुला पास वाला रोड ले रहे हैं। इस रोड पे सिर्फ एक ही पास आता है, शिंकुला पास, और जो दूसरा रोड है बारालाचला वाला उसमें चार पास आते हैं। तो ये रोड मेरे को लगता है कि काफ़ी प्लेन होगा, इकोनॉमिक होगा, और वैसे भी हम दूसरे रोड से आ गए हैं तो हमको तो देखना था ये रोड कैसा है। अब आपको भी दिखाते हैं कैसा है ये रोड। तो गाइस यहाँ से सीधा आगे श्रीनगर की कारगिल श्रीनगर की तरफ रोड जा रहा है, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड देखें वहाँ से हम लेह से आए अभी, और अगर नीचे की जो वाला जो रोड है, जो अभी तीसरा रोड बना है नीमू पदम वाला रोड जो लेह के लिए जाता है, वो यहाँ से नीचे की तरफ है, और पदम यहाँ से 155 किलोमीटर है। इस रोड पे ट्रैवल करते हुए दोस्तों आपको दो एडवेंचर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। एक तो होगी राफ्टिंग जो आपकी जांस्कर रिवर में कराई जाती है, और दूसरा यहाँ पे आपको बंजी जंपिंग भी देखने को मिलती है। और दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो इस रोड पे आपको हेमिस नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। ये रोड हेमिस नेशनल पार्क की बाउंड्री से होता हुआ जाता है, और चिलिंग में आपको हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। दोस्तों तो जैसे कि मैंने बोला ही था आपको, हम चल पड़े हैं नीमू पदम रोड पे, और यहाँ से हमें संगम देखने को मिल रहा है नीचे, जैसे ही आप देख सकते हो। ये देखो दोनों वाटर्स का कलर आपको अलग दिख रहा होगा, ये अलग नदी है ऊपर है और बीच में हो रहा है संगम, और ये जो सामने रोड दिख रहा है यही नीमू पदम वाला है, और जो ऊपर आपको रोड दिख रहा है वो लेह कारगिल रोड है, लेह कारगिल रोड है। और वहाँ से हमारा टर्न हुआ और हम चल पड़े हैं अब नया रोड एक्सप्लोर करने, नीमू पदम रोड इन अवर बलिनो कार। और काफ़ी सुंदर जगह है ये, और काफ़ी खूबसूरत भी है। सुबह सुबह का ये टाइम है और हम वापसी हिमाचल में करने लग गए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें इस रोड पे और कितना ख़राब है रोड आगे। कि आगे रोड बंद है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। ऑनलाइन रोड का स्टेटस ना इन्होंने ओपन रखा हुआ है, क्लोज नहीं दिया है। हम तो ऑनलाइन देख के आए यहाँ पे कि रोड ओपन है। ये भी अभी हिमाचल रोड की रोड है ना, इतनी रोड काम चल रहा है ना, इसीलिए तो खतरा बन गया बोल रहा है। वापस करना पड़ेगा। थोड़ी फंसी है यहाँ से बड़ी। देख ही सकते हो चिलिंग में रोड बंद कर दिया है क्योंकि आगे रोड का काम चला हुआ है, तो ऐसा बता रहे थे ये कि जो ये रोड है अभी काम चला है तो नदी के पास से भी निकल के होता है, कहीं कहीं सीधी चढ़ाई आ जाती है, और कहीं कहीं अभी रोड के काम में ब्लास्ट भी कर रहे हैं,
तो पूरी तरह से कमांडर ने, आगे जो कमांडर बैठा हो उसने इनको मना किया है कि नहीं, गाड़ी को नहीं जाने देना है, अगर गाड़ी को जान देंगे तो इनको गालियाँ पड़ेंगी। तो हमने सोचा कि छोड़ो, क्यों जाना है आगे को। तो अब हम वापसी कर रहे हैं इसी रोड से, और अपडेट यही है इस रोड का कि अभी रहने दें, ये अभी थोड़ा टाइम दे दें इसको, 6 महीना और दे दें इस रोड को, ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए रोड, काम हो जाए ठीक से। बाकी वो कमांडर ने भी इसलिए मना किया है क्योंकि इस रोड पे सिग्नल नहीं है ना कहीं भी, अगर कुछ हो जाता है किसी को तो आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, फंस जाते हो तो किसी को बता भी नहीं सकते आप यहाँ पे कि हम फंस गए हैं ऐसे, तब करके इस रोड को बंद रखा हुआ है अभी। तो अभी हम कर रहे हैं वापसी यहाँ से।